नमस्कार मित्रों, AVFM का हमारा वन लाइनर सीरीज का ये डे नंबर 13 है। तो हम लोग जारी रखते हैं अपनी डिस्कशन को, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। वी वेयर डिस्कसिंग मॉड्यूल बी, दैट टू यूनिट नंबर 9 वी वेयर डिस्कसिंग। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑप्शन। दोस्तों, पुट ऑप्शन एक डिवेंचर में एक फीचर होता है, जहाँ पे इशूअर जो है पुट ऑप्शन को इंक्लूड करते हैं। ये ऑप्शन अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो रिडेम्पशन को डिमांड कर सके डिवेंचर का मैच्योरिटी डेट से पहले किसी प्री डिटरमाइंड फिक्स प्राइस पे। देखिए, जो हमारा डिवेंचर है वो रिडीम तो वो मैच्योर तो होगा, कभी कभी आप मैच्योर से पहले ही बोल रहे हैं कि मुझे रिडीम करके दे दो, ठीक है, और ये प्राइस जो है पहले से क्या रहता है, फिक्स रहता है। नेक्स्ट टर्म है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को एक राइट देता है कि वो अपने डिवेंचर होल्डिंग को इक्विटी स्टेक में कन्वर्ट कर सके किसी कंपनी का। तो ये कन्वर्जन जो है वोटिंग राइट के साथ आता है कंपनी में। तो ये होता है हमारा कन्वर्टेबल डिवेंचर। दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल, लीवरेज बायआउट, शॉर्ट में LBO बोलते हैं, मेजाजाइन इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रेस डेप्ट एंड मोर। तो ये इन सभी डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्लियर होगा। दोस्तों, पेटेंट कैपिटल क्या होता है? देखिए, प्राइवेट इक्विटी के बारे में समझिए। प्राइवेट इक्विटी को कभी कभी पेटेंट कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है रेदर देन शॉर्ट टर्म रेगुलर पेमेंट। तो जो हमारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका फोकस होता है कि वो ग्रो करें और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें, जहाँ पर वो ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड तक इन्वेस्ट कर सकें, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट इक्विटी। दोस्तों, नेक्स्ट टर्म्स है लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को जनरली जो होता है ना, वो लेस लिक्विड होता है देन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक। देखिए, एक तरफ है हमारा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक तरफ है हमारा पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक। तो दोनों में से यदि लिक्विडिटी की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मैं इसीलिए बताया इसको पेटेंट कैपिटल, ठीक है। तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर एक कमिटमेंट होता है कंपनी के ग्रोथ का, कंपनी के डेवलपमेंट का ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। दैट्स व्हाई प्लीज रिमेंबर, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर जनरली लेस लिक्विड। दोस्तों, दो टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो ये जो कुछ मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टाइप, जैसे सीड फाइनेंसिंग है। तो सीड फाइनेंसिंग में क्या होता है कि छोटे शुरुआत में स्मॉल कैपिटल दिया जाता है बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट होता है स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टार्टअप फाइनेंसिंग में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फंड करते हैं और इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फंड करते हैं। अब देखिए स्टेज क्या क्या है। पहला स्टेज है आप कमर्शलाइजेशन को सपोर्ट कीजिए, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को सपोर्ट कीजिए। दूसरा स्टेज में आप वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कीजिए और ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कीजिए। थर्ड स्टेज में आप ग्रोइंग कंपनी के एक्सपेंशन को फंड कीजिए। देखिए, ब्रिज फाइनेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक फाइनल फाइनेंशियल राउंड होता है, इससे पहले कि कंपनी पब्लिक जाती है विद IPO, ठीक है। IPO पता है ना, IPO के माध्यम से कंपनी पब्लिक जाती है। तो ब्रिज फाइनेंसिंग फाइनल फाइनेंसिंग राउंड होता है। और पाइप डील क्या होता है? पाइप का फुल फॉर्म पहले समझिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। ये जो डील है, इसके अंदर आप पब्लिकली ट्रेडेड शेयर को बेचते हैं या प्रीफर्ड स्टॉक को बेचते हैं किसे, प्राइवेट इन्वेस्टर को। अभी एक टर्म आया था LBO, यानी लिवरेज बायआउट। ये क्या होता है? LBO के अंदर दोस्तों, यहाँ पे कंपनी को एक्वायर किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर के द्वारा, खासकर जो बायआउट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो एक्वायर करते हैं। तो ये जो एक्विजिशन होता है ना LBO, ये प्राइमरीली डेब्ट के थ्रू फाइनेंसिंग होता है और इसका गोल होता है रिस्ट्रक्चर करने का और कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। तो LBO का मतलब समझ में आया? इसके अंदर आप किसी कंपनी को एक्वायर किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर के द्वारा, खासकर बायआउट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को एक्वायर करते हैं, ठीक है। और ये जो एक्विजिशन होता है, इसको फाइनेंस कहाँ से किया जाता है? डेब्ट के माध्यम से फाइनेंस किया जाता है और गोल रहता है कि हम रिस्ट्रक्चर करें और कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। इसे ही कहा जाता है लिवरेज बायआउट। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। पुट ऑप्शन का क्या पर्पज़ है डिबेंचर के कंटेक्स्ट में? तो अभी मैंने आपको बताया कि पुट ऑप्शन इन्वेस्टर को डिमांड, इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो रिडेम्पशन डिमांड कर सके ड्यू डेट से पहले। नेक्स्ट सवाल है, और वो भी फिक्स प्राइस पे। कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर जो है क्या करते हैं अपने होल्डिंग का, तो वो अपने होल्डिंग को इक्विटी स्टेक में, नाम ही है कन्वर्टेबल ना, इसलिए वो अपने इक्विटी स्टेक, अपने जो भी होल्डिंग है उसको इक्विटी स्टेक में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी में। दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी के लिए कौन सा टर्म को यूज किया जाता है, क्योंकि ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे? तो टर्म है दोस्तों पेटेंट कैपिटल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट इक्विटी कंपेयर टू पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक लिक्विडिटी के टर्म्स में कैसा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्राइवेट इक्विटी होता है वो उसमें लिक्विडिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, तो दे हैव लेस लिक्विड। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला स्टेज क्या होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। देखिए एक एक चीज़ को मैं इस तरह समझा रहा हूँ ना, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू कैन सॉल्व एमसीक्यू। पहला स्टेज क्या होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का? सो द पहला स्टेज होता है स्टार्टअप फाइनेंस, सीड फाइनेंसिंग, पहले होता है सीड फाइनेंसिंग। कौन सा स्टेज होता है प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग का? जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फंड किया जाता है, वो होता है हमारा स्टार्टअप फाइनेंसिंग। कौन सा स्टेज होता है प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग का जिसमें वर्किंग कैपिटल को प्रोवाइड किया जाता है और फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ को प्रोवाइड किया जाता है? तो ये होता है हमारा सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज में क्या होता है, कमर्शलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। लास्ट फाइनेंसिंग स्टेज क्या होता है, इससे पहले कि IPO कॉल इन किया जाता है, तो वो उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। पाइप का फुल फॉर्म बता दीजिए, पाइप का फुल फॉर्म याद रखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, ठीक है। LBO क्या होता है, LBO होता है लेवरेज बाय आउट, ठीक है, और उसका मतलब भी मैंने बताया, आप कंपनी को एक्वायर किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर के द्वारा, और ये एक्विजिशन प्राइमरली फाइनेंस होता है डेब्ट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स डेली आपके लिए ला रहे हैं। तो यदि आपको सारा कंटेंट चाहिए इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ, MCQs के साथ, ताकि आप कम समय में चीज़ों को समझ पाएँ, उस पर MCQ सॉल्व कर पाएँ, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस क्रैश कोर्स का यही मेन पर्पज है कि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट दिया जाए और आपके समय को बचाकर आप ज़्यादा समय MCQ सॉल्विंग पे लगा पाएँ। आपके सॉल्विंग के लिए मैं 2000 से 3000 MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ पर सब्जेक्ट, इसी क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू 40% डिस्काउंट, और यदि आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं MBO के बारे में, अभी LBO के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, अब बात करते हैं हम लोग MBO। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय आउट। MBO दोस्तों LBO का सबसेट है, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम है वो बाइंग ग्रुप के पार्ट होते हैं। तो की एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांजैक्शन में, वो बिजनेस को एक्वायर करते हैं जो कि वो करेंटली मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो भारत में जो FDI है वो FDI की पॉलिसी के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि भारतीय सरकार अनाउंस करती है, और फेमा 1999 का जो प्रोविजन है वो भी लागू होता है। तो ये सभी रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FDI रूट की बात करें तो FDI का दो रूट है, आपको पता होगा, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि जो भी FDI इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के अंदर होता है उसमें प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या भारतीय सरकार का, जबकि गवर्नमेंट रूट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए भारतीय सरकार का, इसीलिए नाम रखा गया है इसका गवर्नमेंट रूट, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का खासकर आपको अप्रूवल चाहिए होगा, और FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। दोस्तों भारतीय कंपनी जो है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और इसका जो वैल्यूएशन नॉर्म है ना वो फीमा के रेगुलेशन से गवर्न्ड होता है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को डेप्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जो भी गाइडलाइंस हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के इशू के रिगार्डिंग। यदि हम बात करें FDI इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट की, तो दोस्तों देखिए फॉरेन इन्वेस्टर जो है भारत में निवेश कर सकते हैं, भारत के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है उनका पेड अप कैपिटल का 24% का लिमिट डाल दिया गया है, यानी जो भी पेड अप कैपिटल रहेगा उसका 24% तक ही वो निवेश कर सकते हैं, ठीक है, भारतीय स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री में फॉरेन इन्वेस्टर। दोस्तों यदि हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम अचीव करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो हमारे लेंडर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना और बॉरोवर क्या ऑफर कर रहे हैं इनको बैलेंस करना, ये इंश्योर करता है कि इंटिटीज़ का फाइनेंशियल नीड जो है इफेक्टिवली नीट किया गया। इक्विटी शेयर क्या होता है, इनका अनलिमिटेड लाइफ होता है, वोटिंग राइट अनलिमिटेड होता है, शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का लिमिटिंग वोटिंग राइट होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। मैंने इक्विटी शेयर में क्या बताया, अनलिमिटेड वोटिंग राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रेफरेंस शेयर में लिमिटेड वोटिंग राइट। लॉन्ग टर्म डिवेंचर क्या होता है, एक डिवेंचर जो कि 10 साल से ऊपर के लिए इशू किया गया हो उसे लॉन्ग टर्म डिवेंचर माना जाता है। परपेचुअल डेट कैपिटल क्या होता है, बेसिकली एक फंड है जिसको आप रेज किए हैं बोरोइंग से, जिसको आप रिपे नहीं करना है, इफेक्टिवली ये परमानेंट या ऑनगोइंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, उसे परपेचुअल डेट कैपिटल कहते हैं। सवाल कर लिया जाए, MBO का फुल फॉर्म बता दीजिए, मैनेजमेंट बाय आउट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन गवर्न करता है, तो फेमा एक्ट गवर्न करती है और भारतीय सरकार का जो FDI पॉलिसी है वो गवर्न करता है। अगला सवाल, दो रूट कौन सा है जिसे FDI भारत में आता है, तो एक ऑटोमेटिक रूट है, एक गवर्नमेंट रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूट के अंदर FDI को
कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आरबीआई से, तो उसे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई का कौन सा रूट है जिसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो उसे कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट रूट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, तो इक्विटी शेयर में दोस्तों अनलिमिटेड वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में लिमिटेड वोटिंग राइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट क्या होता है पेड अप कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो 24%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए जो आपका जो वन लाइनर लाया गया ना कि एक वर्ड में आप आंसर दीजिए, तो इसी तरह का सवाल आएगा, तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ कि जो वन लाइनर पीडीएफ है उसको आप दो तीन बार यदि घुमा लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सीआईबी निकलने वाला है, क्योंकि हर एक पॉइंट को कवर किया गया है और समझना भी काफ़ी आसान है। तो दोस्तों बात करें हम लोग लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल की, तो वो कितना है 24%। दोस्तों जो भी फंड आप बोरोइंग से रेज करते हैं, जो कि रिपे नहीं करना है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग परपेचुअल डेट कैपिटल टर्म यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए सीआईबी का कैप्सूल कोर्स भी तैयार है, इस कैप्सूल कोर्स के अंदर भी आपको वन लाइनर पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों कैप्सूल पीडीएफ मिलेगा, उसके अलावा आपको 100 क्विजेज मिलेंगे पर सब्जेक्ट के, और प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन है, यानी 1500 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए चुने गए हैं, मैकमिलन बुक से बनाए गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सभी चीज आपको मात्र 200 रुपए में मिल रहा है, वो भी हमारे सीआईबी कैप्सूल कोर्स में। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, यानी तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करके स्टोर सेक्शन में जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो बाकी का जो कंटेंट है वो पेड मेंबर के लिए रहेगा। धन्यवाद।